दोस्तों केवल आपको अपने मोबाइल के अंदर 4 सेटिंग करनी है और आपके मोबाइल का जो इंटरनेट होगा वो पूरे दिन चलने वाला है। चाहे आपके पास 1 GB पर डे का प्लान हो, चाहे 1.5 GB पर डे का प्लान हो, चाहे इससे कम हो, चाहे इससे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कोई सा भी प्लान हो, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि आपका जो भी मोबाइल का इंटरनेट डेटा होगा वो पूरा दिन चलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो है जी भर के वीडियो देखना, अपनी मनमर्जी की फिल्म जो है देखना, लेकिन आपका जो डेटा होगा वो कहीं भी बेकार में फालतू में बेकार नहीं जाएगा और वो पूरा दिन चलने वाला है। केवल आपको 4 सेटिंग करनी है। ये 4 सेटिंग कौन सी है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। समझना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, ओके, सभी दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, केवल आपको 4 सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर और आपके इंटरनेट का जो डेटा है जो जल्दी खत्म हो जाता है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, पूरे दिन चलेगा। इसके लिए आपको चारों के चारों सेटिंग ध्यान से समझनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे 4 नंबर की सेटिंग रहेगी वीडियो की, वो सेटिंग यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप इस पूरी वीडियो को देखकर कुछ भी समझ में आपके नहीं आने वाला है, क्योंकि 4 नंबर की जो सेटिंग है उसको करना बेहद ही जरूरी है। उसको किए बिना आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को पूरे दिन यूज नहीं कर सकते, ओके। तो यदि आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट पूरे दिन यूज करना है, खत्म होने नहीं देना है, तो 4 नंबर की सेटिंग को जरूर से देखना है। अब पहले नंबर की सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। पहले नंबर पर आपको अपने मोबाइल में क्या सेटिंग करनी है, सबसे पहले दोस्तों आप इस तरीके से अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर, ओके। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल की सेटिंग जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कनेक्शन सेटिंग में जाना है। जी हाँ दोस्तों, कनेक्शन यानी कि जहाँ पर आपके इंटरनेट की सेटिंग रहती है वहां पर। तो कनेक्शन सेटिंग में जाएंगे। कनेक्शन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, डेटा यूसेज। डेटा यूसेज वाले सेटिंग पर जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके सिम वाइज सेटिंग मिलेगी। जैसे ये सिम 1 की है, ये वाली सेटिंग यहाँ पर सिम 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर सिम 2 है, ये सिम 2 के लिए सेटिंग है। तो जिस भी सिम में आपको इंटरनेट जो है पूरे दिन चलाना है, ओके, वो वाली सिम की सेटिंग को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिम 1 में यदि पूरे दिन इंटरनेट चलाना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल डेटा यूसेज, ओके। सिम 2 में चलाना है तो यहाँ पर मिलेगा मोबाइल डेटा यूसेज। दोनों में सेम ही सेटिंग मिलेगी दोनों सिम में। तो आपको कुल मिलाकर मोबाइल डेटा यूसेज वाले सेटिंग पर क्लिक करना है, जिस भी सिम में आप जो है पूरे दिन इंटरनेट को यूज करना चाहते हो, ओके। मोबाइल डेटा यूसेज वाले सेटिंग पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी एप्लीकेशन आ चुकी है, ओके, जो कि आपके मोबाइल के इंटरनेट को यूज करती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की जो टॉप 5 ऐप है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज, इस पर यहाँ पर टिक कर देंगे, ओके, बैक करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर फेसबुक बहुत ज्यादा डेटा खा रहा है, जीमेल, गूगल बहुत ज्यादा डेटा खा रहा है, गूगल प्ले सर्विस जिसको हम यूज भी नहीं करते एप्लीकेशन को, ये भी डेटा हमारा कंज्यूम कर रही है बैकग्राउंड में। तो टॉप 5 ऐप को ऊपर से जो मैंने आपको सेटिंग बताई बैकग्राउंड डेटा की, उसको आप बंद करेंगे पहले नंबर की सेटिंग में। पहले नंबर पर आपको केवल ये सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर, सभी मोबाइल में सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको क्या सेटिंग करनी है, दूसरे नंबर पर आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। जैसे आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ चुका हूं। अब आप दोस्त सोचेंगे कि यार प्ले स्टोर में जाने के बाद इंटरनेट पूरा दिन कैसे चलेगा, तो भी ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड जहाँ पर आपके प्रोफाइल का लोगो रहता है बना हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, ओके। सेटिंग में आप यहाँ पर चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जनरल, ओके। तो जनरल सेटिंग पर आप जो है यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जैसे ये जनरल सेटिंग है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जनरल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट ऐप। ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करेंगे और इसको आप क्या काम करेंगे, जैसे मैंने पहले से किया हुआ है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप, तो डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में ये अभी ओवर एनी नेटवर्क पर सेट होगी, तो आप इसको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी आपके मोबाइल में ये सभी एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में, ओके, अपने आप ही इंटरनेट के डाटा को यूज करके अपडेट नहीं होगी, जिससे आपका दोस्तों बहुत ज्यादा 500 MB पर डे तक डाटा जो है बचेगा। क्योंकि आजकल नए नए फीचर्स डालने के लिए जितने भी डेवलपर है एप्लीकेशन के, ओके, वो डेली वाइज अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, जिस कारण हमारा मोबाइल भी सभी एप्लीकेशन को अपडेट करता है ऑटोमेटिक, हमको पता नहीं चलता है और हमारे मोबाइल का जो डेटा है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। आप सोचते हो मैंने कोई वीडियो फिल्म नहीं देखी फिर भी हमारा डेटा कहां पर कंज्यूम हो गया, तो वो यहीं पर ही हो जाता है दोस्तों, ओके। दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड नंबर की सेटिंग करनी है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और ये सेटिंग आपका बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा डेटा कंज्यूम कर लेती है। जबकि आप कोई भी फिल्म या यूट्यूब पर वीडियो या फिर अमेजन प्राइम पर नेटफ्लिक्स पर कुछ भी नहीं देखते हो, लेकिन आपका डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार मैंने केवल एक मूवी देखी और मेरा डेटा खत्म हो गया, तो ये इसलिए हो जाता है, ओके। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक सेटिंग कर लेनी है अपने मोबाइल में, वो क्या है, आपको जाना है यहाँ पर गूगल वाले फोल्डर में। सभी मोबाइल में एक
फोल्डर मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल फोल्डर है। ओके, तो आपको ढूंढना है गूगल फोल्डर कहाँ पर है आपके मोबाइल में, तो गूगल फोल्डर में जाना है। गूगल फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, एक एप्लीकेशन मिलती है जिसका नाम है यहाँ पर फोटोज। ओके, तो यहाँ पर आप फोटोज ऐप में चले जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे यार फोटोज ऐप में जाने के बाद इंटरनेट डेटा कैसे बचेगा, तो अभी समझना ये बहुत ही जरूरी है ये सेटिंग भी आप लोगों के लिए। यहाँ पर जाने के बाद फोटोज ऐप में बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम है आपके जितने भी फोटो है वो चाहे कहीं से भी डाउनलोड किए हो, मोबाइल से खींचे गए हो या किसी ने आपको सेंड किए हो, कैसे भी हो उनका बैकअप बनाते हैं ये अपने सर्वर पर। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके लोगो पर जाना है, जो भी आपका लोगो रहेगा यहाँ पर। लोगो पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोन सेटिंग। ओके, फोटोज सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकअप एंड सिंक, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होगा मोबाइल डेटा यूसेज। ओके, इस पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप गलती क्या करते हो दोस्तों, इसको अनलिमिटेड रखते हो, तो ये आपको अनलिमिटेड नहीं रखना है। ओके, अनलिमिटेड से इसको 30 MB कर दे रहा है। इससे क्या होगा, जो भी आपके व्हाट्सएप पर वीडियो आती है या फिर इधर उधर से आप डाउनलोड करते हो फालतू के गुड मॉर्निंग के मैसेज, ओके, फोटो वगैरह, तो वो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बैकअप नहीं लेगी उसका। ओके, जिससे आपका बहुत ज्यादा डाटा कंज्यूम होने से बच जाएगा। मान लिया कि किसी ने आपको 150-200 MB की एक वीडियो भेज दी है और आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, फिर डाउनलोड होने के बाद गूगल फोटोज उसका ऑटोमेटिक बैकअप बना दिया अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो इससे क्या होगा आपकी 400 MB केवल एक वीडियो से खराब हो जाएगी। ओके, जिससे आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको ये सेटिंग कर लेनी है इस एप्लीकेशन में आने के बाद, इससे ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बैकअप नहीं बना पाएगी ज्यादा डेटा का, केवल 30 MB तक ही बना पाएगी जो आप पर्टिकुलर फोटो अपने मोबाइल के कैमरे से लेंगे। ओके, तो इससे आपके फोटो बैकअप भी होते रहेंगे, डेटा भी आपका बहुत ज्यादा जो है बच जाएगा। तो है दोस्तों बहुत ही कमाल की सेटिंग। अब आपको दोस्तों 4 नंबर की सेटिंग पे क्या करना है जिसका आप सभी वेट कर रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 4 नंबर की सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है दोबारा से अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन सेटिंग में जाना है वापस से। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों आप वापस से डेटा यूसेज वाले सेटिंग में जाएंगे। ओके, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा डेटा सेवर, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से ऑन कर देंगे। यदि आप इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे ये जितनी भी एप्लीकेशन है ओके आपके मोबाइल की, इनका सबका बैकग्राउंड डेटा जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओके, और जब आप इनको यूज करेंगे ना, जब भी ये डेटा का यूज करेगी, अदरवाइज ये स्लीप मोड में चली जाएगी। ओके, डेटा को लेकर इससे आपकी बैटरी और इंटरनेट डेटा दोनों बचने वाले हैं। तो टर्न ऑन नाउ, जो यहाँ पर ये सेटिंग है डेटा सेवर की, इसको आप ऑन जरूर से करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप चाहते हो आपके जो मोबाइल की लाइफ है वो भी बढ़े, बैटरी की लाइफ भी बढ़े, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा चले। ओके, ये सेटिंग आपको जरूर से कर लेनी है। आई होप दोस्तों ये चारों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखना। तो यही था वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।